नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। जैसे इक्वीन ऑफ झांसी की तरफ से नगर के स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी त्योहार नवरात्र पर्व को मनाने को लेकर चर्चा की गई, जिसकी अध्यक्षता बेबी नाज ने की। इस दौरान संस्था की चार्टर प्रेसिडेंट ने बताया कि इस बार डांडिया गरबा को लेकर बहुत उत्साह है। वैसे तो संस्था के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें हमारी कैबिनेट टीम की जी तोड़ मेहनत रहती है और भरपूर सहयोग मिलता है, क्योंकि टीम वर्क के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं हो सकता। लेकिन इस बार कुछ खास करने का विचार किया गया है। इसके साथ ही कार्यक्रम के प्रोग्राम डायरेक्टर ने बताया कि हमारी संस्था का उद्देश्य सिर्फ इतना रहता है कि जिन महिलाओं के अंदर प्रतिभाएं कूट कूट कर भरी हैं, वे अपनी प्रतिभाओं को पहचाने और हमारी संस्था के साथ आए, क्योंकि हमारी संस्था ने एक मंच तैयार किया है जिसके माध्यम से छिपी प्रतिभाएं उजागर हो सके। इसके साथ ही बिजनेस प्लान को लेकर भी चर्चा की गई। वार्ता में बताया गया कि डांडिया गरबा नृत्य की प्रैक्टिस के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा, जो 20 सितंबर से प्रारंभ होगा, जो शाम 7 बजे से लेकर 9 बजे तक चलेगा। वहीं डांडिया नृत्य में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का रजिस्ट्रेशन प्रारंभ कर दिया गया है। बैठक में बेबी नाज, जौली खान, रश्मि दीक्षित, विनीता श्रीवास्तव, सुनीता सिंह, रजनी वर्मा, रश्मि श्रीवास्तव, मंजू सिंह आदि सदस्याएं उपस्थित रही। रश्मि दीक्षित, इस बार नया यही है कि अपनी संस्कृति से जोड़ने के लिए, जो आजकल बच्चे बहुत ज्यादा भारतीय संस्कृति से अलग होते जा रहे हैं, तो इससे जुड़ेंगे, लेडीज इससे जुड़ेंगी और थोड़ा सा उनको कुछ नया करने के लिए मौका मिलेगा। ये तो अभी थोड़ा सा हम लोगों का सीक्रेट है, जब उस दिन आएंगे तभी पता चलेगा। सरप्राइज है उन लोगों के लिए और बाकी उन लोगों को मजा आएगा, घर से बाहर निकलेंगी, जो हमेशा दूसरों के लिए सोचती रहती हैं, पति के लिए, बच्चे के लिए, बेटे के लिए, सबके लिए, तो अब उन्हें खुद मौका मिलेगा अपने आप को प्रूफ करने का कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। इस तरह से वो अपने टैलेंट को दिखा सकती हैं, थोड़ा समाज से जुड़ सकती हैं, समाज के लिए भी कुछ कर सकती हैं, अपने लिए कुछ कर सकती हैं, बहुत कुछ करने का मौका मिलेगा। आज हमारे यहाँ कैबिनेट मीटिंग रखी गई थी कि एक रूपरेखा तैयार करने के लिए कि जो हमारा आगामी त्यौहार है उसको किस तरह से किया जाए। और हम लोग की ये सोच है कि जो हमारे संस्था का नाम है JCI क्वीन ऑफ झांसी, बस उसी नाम से हम लोग चल पड़े हैं, उसी राह पे चल पड़े हैं कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए कि जो महिलाएँ अपने घर में हैं, प्रतिभा बहुत है, हर एक के अंदर प्रतिभा है, लेकिन बस यह है कि उनको बाहर निकालने का उनके पास मंच नहीं है। तो हमारे जो चार्टर प्रेसिडेंट है, उन्होंने जो ये इस क्लब की शुरुआत की है वो सिर्फ इसीलिए की है कि ऐसी महिलाएं आएं और इस मंच में अपनी प्रतिभा को निखारें, लोगों को बताएं कि नहीं हमारे अंदर भी बहुत कुछ है। क्योंकि अमूमन ये होता है ना कि शादी के बाद लोग अपनी प्रतिभा दबा लेते हैं, बच्चे हैं, पति है, अपनी फैमिली है, सब देख लेते हैं, तो ये मंच एक उनके लिए एक उनका बचपन निकल कर आएगा इसमें सामने। तो एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है हमारी चार्टर प्रेसिडेंट ने। और हर तरह के, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा है या इंजॉय हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग का ये पूरा एक कोशिश है कि एक बिजनेस प्लेटफॉर्म भी दिया जाए और लोगों को बोला हर तरह का यहाँ सुविधा मिले, हर तरह का ज्ञान मिले, लोग हमसे सीखें और हमको भी लोगों से सीखने को मिले। जितने लोग हमसे जुड़ेंगे वो हमसे भी सीखेंगे और हम जितने लोगों से जुड़ेंगे तो हम उनसे भी सीखेंगे उनके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमारे अंदर नहीं है। तो बस एक यही इस सोच को लेकर हमने अपने संस्था की शुरुआत की है और आगे हमारी मैम बताएंगे कि आगे। जी, नाम क्या है? मेरा नाम बेबी नाज है और मैं क्या कार्यक्रम कराने जा रहा है? हम लोग JCI क्वीन ऑफ झांसी की तरफ से डांडिया और गरबा प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं। क्या उद्देश्य रहता है कार्यक्रम कराने का? उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ हमारी संस्था से जुड़ें और आगे आए। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से लेडीज लोग का टैलेंट को निखारने की, प्रतिभा निखारने की कोशिश है। कब कार्यक्रम होगा? हमारा 21 अक्टूबर को कार्यक्रम होगा और हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज इस प्रोग्राम में आए और मतलब इसको देखें और समझें। कहाँ होगा? अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी प्लेस का कोई अभी कन्फर्मेशन नहीं हुआ। विनीता श्रीवास्तव, क्या कार्यक्रम करवाने जा रहे हैं? हम लोग ये नवदुर्गा का प्रोग्राम करवाने जा रहे हैं और हमें ये बताना है लेडीज़ों को कि वो भी एक नवदुर्गा की तरह शक्ति हैं, तो वो अपनी शक्ति को पहचानें और बाहर निकलें, अपना हुनर दिखाएं
और जिसको अगर मतलब जो क्लब के जो संस्था के लोग हैं वो तो आगे आई, आउटसाइडर भी अगर आना चाहते हैं अपना हुनर कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो इस प्रोग्राम में आके अपना हुनर दिखा सकते हैं। टैरो रीडिंग एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी द ओनली लिंक बिटवीन द ब्यूटी ऑफ पास्ट एंड द मिस्ट्री ऑफ फ्यूचर। हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।